अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, कराची इलेक्ट्रिक ने जीना हराम किया हुआ है। लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है कि दिन में 4 से 5 दफ़ा एक एक घंटे के लिए जा रही है, और ये हमारा एरिया वो एरिया है जहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होती थी। कभी कभार कोई फॉल्ट आ गया तो जाती थी लाइट। तो सोचिए, अगर हमारे एरिया का ये हाल है तो जो बेचारे कच्ची आबादियों में हैं, जो गरीब लोग हैं, वहाँ पर तो ये कितना तंग कर देंगे। वहाँ पर दिन में मेरे अंदाज़े के मुताबिक 4 से 5 दफ़ा 2-2 घंटा लाइट जा रही है। क्या हो रहा है? पीटीआई गवर्नमेंट, इमरान खान, खुदा का वास्ता, उमर अयूब वज़ीर पावर और एनर्जी, क्या कर रहे हो आप भाई? सोए पड़े हो क्या? पीएमएलएन गवर्नमेंट ने पिछले 2 साल जो है ना, 2 साल से लाइट इस तरह नहीं जा रही थी जो इस साल शुरू हुई है। तो मीन्स आपने अपने जो प्रोडक्शन में आपने एक्सपेंशन नहीं की है, आपने प्रोडक्शन बढ़ाई नहीं है बिजली की। तो पीएमएलएन गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एनर्जी पे बहुत अच्छा काम किया था, लोड शेडिंग को ज़ीरो किया। वाकई में उन्होंने किया, 2 साल तक ये सही चलता रहा। इस गर्मियों में इंतहा की लोड शेडिंग हो रही है, समझ से बाहर है। पता नहीं क्या कर रहे हैं, सोए पड़े हैं उमर अयूब साहब, इमरान खान साहब। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रा इनको जगाएँ, और ताकि ये जो जिस तरह का था, पेट्रोल का बहरान हो गया था, फिर ये एनर्जी का बहरान आ गया। भाई क्या कर रहे हो? प्लीज़ फॉर गॉड सेक, मेगा प्रोजेक्ट्स पे काम करें, बड़े जो एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं उन पे काम करें, ताकि आवाम का जीना हराम नहीं हो। इस वक्त भी देखे लाइट गई हुई है, ऊपर देखे मेरा फ़ैन बंद है, ये हाल है। तो प्लीज़ खुदा का वास्ता है, गरीब आवाम पे तरस खाएं, जो मिडिल क्लास पाकिस्तान के आवाम है, जो पहले ही गर्मी से सताए हुए हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते जनरेटर, UPS। प्लीज़, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।